Hello children, this is the second part of your EVS chapter experiment with water. Let's begin this part. What dissolve and what do not? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में dissolve हो जाती हैं, घुल जाती हैं और कौन सी नहीं हो पाती? Let's begin. तो इस part में आपका पहला experiment है dissolve and do not dissolve experiment. तो इसमें आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि आपको दिया गया है लिस्ट में सॉल्ट, सॉयल, चॉक पाउडर, स्पून, मिल्क एंड ऑयल. इसके अलावा आपको कुछ ग्लासेस और बॉल चाहिए होंगी और आप उसमें पानी रखेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे. उसके बाद जो ये ऑब्जर्वेशन चार्ट आपको दिया गया है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम इसे फिल करेंगे. सो लेट्स बिगिन अवर एक्सपेरिमेंट. आई हैव टेकन 6 ग्लासेस विथ वाटर एंड 6 मटेरियल्स एंड दी 6 मटेरियल्स आर चॉक पाउडर, सॉल्ट, सोयल, सुगर, मिल्क एंड ऑयल. नाउ वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट थिंग्स डिसॉल्व एंड व्हाट थिंग्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट आई एम टेकिंग हाफ स्पून सॉल्ट एंड पुट इन द फर्स्ट ग्लास एंड इन सेकेंड ग्लास हाफ स्पून चॉक पाउडर, हाफ स्पून सोया इन थर्ड ग्लास एंड हाफ स्पून सुगर इन दिस फोर्थ ग्लास. नाउ टेक हाफ स्पून मिल्क इन फिफ्थ ग्लास एंड नाउ पुट दिस ऑयल in the sixth glass. Let's see after 2 minutes what happened with these materials in water. Class, the salt completely dissolved in water and its color is as before colorless. In the second glass, the chalk powder settled down at the bottom and when we stir it with a spoon, it again settled down at the bottom. In the third glass, the soil also does not dissolve in water and settle down at the bottom. In the fourth glass, sugar also dissolves in water and its color is also colorless. And when we stir the sugar, it completely dissolves in water. In the fifth glass, the milk less or more dissolve in water and its color become whitish. In the sixth glass, the oil does not dissolve in water and it start floating on the surface of water. Then in our experiment, we found that some things dissolved completely in the water and something did not dissolve in water. तो उसी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करनी है. पहले कॉलम में आपको चीज़ों के नाम दिए गए हैं, सॉल्ट, सॉयल, चॉक पाउडर, और सेकेंड कॉलम में आपको बताना है कि ये डिसॉल्व हुए यस और नो में. थर्ड कॉलम में आपको ये बताना है कि 2 मिनट रखने के बाद उनके साथ क्या हुआ. सॉल्ट, सॉल्ट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर. तो सॉल्ट जैसे ही हमने पानी में डाला, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और 2 मिनट रखने के बाद भी ये बहुत अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो चुका था. सॉयल, सॉयल डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर. हमने देखा कि सॉयल, मिट्टी, पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाई और वो सीधे नीचे बॉटम में कलेक्ट हो गई. सो सॉयल सेटल्ड डाउन एट द बॉटम. चॉक पाउडर, चॉक पाउडर ऑल्सो डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इट ऑल्सो सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर. स्पून, स्पून ऑफ मिल्क. तो हमने देखा कि जब हमने इसमें एक चम्मच दूध मिलाया तो पानी का कलर व्हाइटिश हो गया और ये पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया. सो इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. नेक्स्ट इज ऑयल. ऑयल डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर. तो बच्चों हमने देखा कि जैसे ही हमने ऑयल को पानी में डाला तो ये बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हुआ और ये पानी के ऊपर सरफेस में फ्लोट करने लगा. तो इसी एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर बताने हैं. पहला क्वेश्चन है कि कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिसॉल्व इन वाटर, इफ नो व्हाई.
क्या सॉल्ट आपको पानी में डिसॉल्व होने के बाद दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो क्यों? नो, वी कुड नॉट सी सॉल्ट इन वाटर बिकॉज इट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। तो हमें पानी में सॉल्ट इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया था, घुल गया था। सेकेंड क्वेश्चन इज, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ इट हैज देन वेयर इज द सॉल्ट? तो क्या इसका मतलब ये है कि पानी में सॉल्ट नहीं था, और अगर सॉल्ट है तो वो सॉल्ट कहाँ था? द वॉटर हैज सॉल्ट बट इट हैज मिक्सड विथ वाटर मॉलिक्यूल। पानी में सॉल्ट तो है क्योंकि अगर आप इस पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो ये सॉल्ट कहाँ गया? ये सॉल्ट मिक्स हो गया पानी के, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं उनके साथ, इसलिए हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दिया अलग से। What differences did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? तो कुछ समय इस सॉल्यूशन को छोड़ने के बाद आपको water with salt and water with chalk में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? तो बच्चों, हमने देखा कि जब हमने salt और water के सॉल्यूशन को रखा था तो salt बहुत अच्छे से पानी में dissolve हो चुका था और हमें salt अलग से नहीं दिखाई दिया। लेकिन चॉक पाउडर के सॉल्यूशन में चॉक पाउडर बॉटम में सेटल डाउन हो गया और वो हमें अलग से दिखाई देने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वॉटर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर? तो इनमें से कौन से सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर चॉक पाउडर के सॉल्यूशन में से आप किसको कपड़े से स्ट्रेन कर सकते हैं, छन सकते हैं? चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद क्लोथ। तो हम सॉल्ट के सॉल्यूशन में से सॉल्ट को कपड़े से नहीं छन सकते क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन चॉक पाउडर को हम स्ट्रेन कर सकते हैं, हम क्लोथ पर लेके हम कपड़े से इसे स्ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ये अलग से सेटल डाउन हो गया है नीचे। रेसिंग ड्रॉप। एक दिन आयशा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया अपने कुछ ड्रॉप्स लेके। तो उसने एक टिफिन का ढक्कन लिया और उसने अलग अलग काइंड के लिक्विड्स के ड्रॉप लिए और उसने देखा कि कौन सी ड्रॉप सबसे पहले नीचे पहुंचती है। तो हम भी ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट, रेसिंग ड्रॉप। आई हैव टेकन अ प्लेट एंड थ्री काइंड ऑफ मटेरियल, एंड दिस इज सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, एंड दिस इज ऑयल, एंड दिस इज प्योर वाटर। And now we are doing the drop race experiment. So I put each kind of drop in this plate. This is water and this is oil and this is sugar water solution. Now tilt this plate and see which drop will come first. Water. Water reached at the end point first. And then sugar solution, and at last the oil is moving slowly to reach at the end point. तो बच्चों, drop race depend करता है drop की density पर या फिर इसकी thickness पर। जो drop जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी या फिर जितनी ज़्यादा उसकी thickness या density होगी वो उतना slowly move करेगी, और जो ड्रॉप जितनी हल्की होगी, जितनी कम डेंस होगी, वो उतनी फास्ट मूव करेगी। एक दिन आयशा की मदर ने स्टोव में पानी रखा चाय बनाने के लिए, और वो बिजी हो गई अपने काम में। आफ्टर सम टाइम सी फॉरगेट अबाउट इट, और कुछ समय बाद वो पूरी तरह से इसके बारे में भूल गई। बट व्हेन सी रिमेम्बर्ड एंड कम बैक, जब उन्हें याद आया और वो दोबारा उसे देखने के लिए आई तो सी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन पैन। तो उन्हें देखा कि पैन में तो बहुत कम पानी बचा है। तो अब जरा सोचो कि वेयर डिड द वाटर गो, अब ये पानी कहाँ गया होगा? तो बच्चों, जब भी हम किसी वाटर को, पानी को या किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसे हीट मिलती है, तो वो पानी टर्न हो जाता है गैस फॉर्म में या वेपर में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। वाटर चेंज इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। Why did Chitti Babu and Chinna Babu keep their mango jelly in sun?
तो बच्चों हमने मैंगोज राउंड द ईयर में पढ़ा था कि चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू जब आम पापड़ बनाते हैं तो पहले उसे सन में ड्राई करते हैं। तो उसे सन में ड्राई क्यों करते हैं? टू इवेपोरेट वाटर एंड मेक इट ड्राई, इसे इवेपोरेट करने के लिए और इसे ड्राई बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो सन में, सन की हीट में वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में, और जब उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसमें इजीली फंगस भी नहीं रहेगा और उसे हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, तो आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं जिन्हें सन में रख के उन्हें ड्राई किया जाता है? तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं लाइक पोटैटो चिप्स, पापड़, बढ़िया, आम पापड़, पिकल। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अचार बनाया जाता है, तो उसे बाहर धूप में सुखाया जाता है टू इवेपोरेट। डांडी मार्च, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो बच्चों आपको पता है हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट कब हुआ? हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 में। इससे पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे जाके नमक नहीं ला सकता, चाहे उसका घर समुद्र के साइड में ही हो। तब गांधी जी ने कहा था कि हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन, कैसे कोई कानून हमें रोक सकता है उस चीज के लिए जिसे प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के दिया है। तब गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के इस कानून के विरोध में एक यात्रा निकाली थी और ये यात्रा निकाली गई थी गुजरात में अहमदाबाद से डांडी बीच तक, और ये डांडी बीच स्थित है अरेबियन सी में। तो जो सबसे पहले अंग्रेजों के विरोध में नमक बनाया गया था वो इस अरेबियन सी के किनारे डांडी बीच पे ही बनाया गया था। तो बच्चों आपको पता है कि नमक कैसे बनाया जाता है? द सी वॉटर इज कलेक्टेड इन द सैलो बेड्स डग इन द सैंड। तो समुद्र के किनारे सैलो बेड्स बनाए जाते हैं, मतलब कि जो कम डीप होते हैं, इस तरीके के बेड बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा गहरे नहीं होते और इनमें सी वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है और सन की प्रेजेंस में सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मीन्स द सी वाटर टर्न इनटू वेपर और गैस। तो ये गैस में या वेपर में चेंज हो जाता है और नीचे बच जाता है ढेर सारा नमक। अब आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट वी हैव लर्न्ड, आपने क्या सीखा? You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? तो आपके पास एक handkerchief है और आपने वो उसे quickly धो ली और आप उसे quickly सुखाना चाहते हैं, आपको dry करनी है, तो आप क्या use कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप उसे windy place में रख सकते हैं जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, या फिर आप उसे iron भी कर सकते हैं। What things do you put in the water to make tea? एंड विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, तो आप टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालते हैं और कौन सी चीज़ें उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, मतलब कि खुल जाती हैं। तो टी बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज करते होंगे, आप पेरेंट्स को देखते होंगे घर में टी बनाने के लिए भी चाय पत्ती यूज करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, लेकिन उसमें चीनी बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। You have been given some mystery pieces, lump of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. तो आपको अगर मिश्री के कुछ पीसेस दे दिए जाएं और आपको डिजोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे कि वो बहुत जल्दी क्विकली डिजोल्व हो जाए? तो आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो, हीटिंग अप द लिक्विड। अगर आप पानी या लिक्विड को गर्म कर दो तो मिश्री जल्दी से घुल जाएगी। मेकिंग पाउडर ऑफ मिश्री, अगर मिश्री का पाउडर बना दिया जाए और स्टिरिंग इट फास्ट, और बहुत जल्दी जल्दी तेजी से इसे घुमाया जाए तो मिश्री जल्दी से घुल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, और इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा कौन सी चीज़ें फ्लोट होती हैं, कौन सी चीज़ें सिंक होती हैं, कौन सी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं और नॉट डिजॉल्व होती हैं, और हमने ड्रॉप रेस भी इसमें सीखी, हमने डेंसिटी के बारे में जाना। सो चिल्ड्रन थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।